प्राणियों में पोषण भाग दो। इस वीडियो के उद्देश्य हैं क समझना कि भोजन अमाशय से आहार नली के और कौन कौन से भागों में जाता है। ख समझना कि क्षुद्रांत्र में भोजन का पाचन और अवशोषण कैसे होता है। ग क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र के अंतर को समझना। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमने पिछले वीडियो में सोनू और मीना के साथ मनुष्यों में पाचन प्रक्रिया के बारे में समझा था। हमने भोजन के मुंह से अमाशय तक के सफर को भी समझा था। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम भोजन के अमाशय से आगे का सफर समझते हैं। दीदी, शाम हो गई है। आपने कहा था कि आप शाम को भोजन के अमाशय से आगे के सफर के बारे में बताएंगी। हाँ सोनू, रुक, मैं वह चित्र लेकर आती हूँ जो मैं बना रही थी। चल बता कि तुझे क्या याद है। भोजन को अंदर लेने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। भोजन मुख ग्रहिका से होते हुए अमाशय में पहुंचता है। अमाशय श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचन रस स्रावित करता है और जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलता है। वाह सोनू, तुझे तो सब याद है। चल अब भोजन के आगे के सफर के बारे में समझते हैं। आमाशय से भोजन क्षुद्रांत्र यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। यह 7.5 मीटर लंबी कुंडलित यानी कि घुमावदार नली है। यह यकृत यानी लिवर और अग्नाशय यानी कि पैंक्रियास से स्राव प्राप्त करती हैं और खुद भी कुछ रस स्रावित करती हैं। 7.5 मीटर, इतनी लंबी। दीदी, मेरा तो पेट इतना छोटा सा है, इसमें इतनी लंबी नली कैसे समाती होगी? दोस्तों, क्या आपको पता था कि क्षुद्रांत्र की लंबाई 7.5 मीटर होती है? हाँ, सोचने वाली बात तो है। यह किसी रस्सी की तरह कुंडलित होती होगी, इसीलिए समा जाती है। पता है सोनू, यकृत जिसे जिगर भी कहते हैं यानी लिवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड है। यह पित्त रस स्रावित करती है। पित्त रस वसा यानी कि फैट्स के पाचन के लिए महत्वपूर्ण है। क्या यकृत क्षुद्रांत्र के पास होता है? यह उदर एब्डोमेन के ऊपरी भाग में दाहिनी तरफ होता है, यहाँ देखो। और अग्नाशय यानी कि पैंक्रियास पीले रंग का होता है। यह अग्नाशयिक रस स्रावित करता है जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। और अग्नाशय कहाँ होता है? अग्नाशय आमाशय के ठीक नीचे होता है, देख यहाँ। अब बचा हुआ भोजन क्षुद्रांत्र के निचले हिस्से में पहुंचता है। यहाँ आंत्र रस यानी डाइजेस्टिव जूसेस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। यह देख, मैंने इस सूची में लिखा है कि कौन से पदार्थ किस में परिवर्तित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट
ग्लूकोज, वसा, वसा अम्ल या फैटी एसिड, प्रोटीन, एमिनो अम्ल या एमिनो एसिड। ये पाचन क्रिया तो किसी कारखाने से कम नहीं है। कितना कुछ होता है भोजन के साथ, और मैं समझता था कि भोजन मुंह से लेकर पेट में जाता है और पाचन क्रिया समाप्त हो जाती है। क्या आप लोग भी सोनू की तरह सोचते थे दोस्तों? सोनू, अभी तो भोजन शरीर के दो और भागों से गुजरेगा, तभी पाचन क्रिया समाप्त होगी। पता है सोनू, क्षुद्रांत्र में भोजन का पाचन और अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन दोनों होते हैं। अवशोषण वो कैसे होता है? पोषक तत्व क्षुद्रांत्र की अंदरूनी दीवार द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। क्षुद्रांत्र में बहुत सारी रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स होती हैं। क्षुद्रांत्र की अंदरूनी दीवार पर उंगली जैसी हजारों संरचनाएं होती हैं। चल, मेरी विज्ञान की पुस्तक में इसका चित्र देखते हैं। इन्हें दीर्घरोम या रसांकुर या विली कहते हैं। ये रसांकुर उंगली जैसी क्यों होती है? किताब में लिखा है कि उंगली की तरह संरचना के कारण पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र यानी सरफेस एरिया बढ़ जाता है। रसांकुर में बचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है और भोजन रसांकुर से रक्त वाहिकाओं में चला जाता है। अच्छा, तो ऐसे भोजन का अवशोषण होता है और हमें ऊर्जा मिलती है। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में हो जाता है और इस तरह से हमारे लिए ऊर्जा उपलब्ध होती है। अच्छा, तो अब पाचन और अवशोषण हो गया, तो क्या अब पाचन क्रिया समाप्त हो गई? नहीं सोनू, अब अपचित और अनवशोषित भोजन बृहदान्त्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। बृहदान्त्र क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। क्या 1.5 मीटर? और क्षुद्रांत्र तो 7.5 मीटर लंबी होती है, तो फिर अंग्रेजी में इसे लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका व्यास यानी कि डायमीटर क्षुद्रांत्र से ज्यादा होता है, लगभग 2 गुना ज्यादा। अच्छा, अब समझा मैं। अब भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं होता है वह बृहदान्त्र में चला जाता है और बृहदान्त्र उसमें से पानी अवशोषित कर लेता है तथा बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय यानी कि रेक्टम में चला जाता है और समय समय पर गुदा द्वारा यह मल के रूप में बाहर निकल जाता है। इसे निष्कासन यानी एक्सक्रीशन कहते हैं। कितना लंबा सफर तय करता है भोजन, मैं तो बहुत हैरान हूँ दीदी। अब जब भी मैं कुछ खाऊंगा तो याद रखूंगा कि भोजन शरीर के अलग अलग भागों से गुजरता है
और हमें ऊर्जा देता है। हाँ सोनू, सही कह रहे हो। और तुम्हें समझाते समझाते मेरी परीक्षा की तैयारी भी हो गई। अब आप कल अच्छे से परीक्षा दे पाएंगी। और अब मैं भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। दीदी, मनुष्यों में पोषण की प्रक्रिया तो आपने मुझे समझा दी, पर अन्य प्राणियों जैसे गाय आदि में पाचन कैसे होता होगा? बड़ा अच्छा सवाल है सोनू। मैं कल अपनी टीचर जी से इसके बारे में पूछूंगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने भोजन के अमाशय से बृहदान्त्र तक के सफर के बारे में समझ लिया होगा, है ना? कितना लंबा सफर पाचन का। चलिए अब अगले वीडियो में सोनू के सवाल के जवाब के बारे में जानेंगे। जल्द मिलेंगे।